नमस्कार दोस्तों, हम लोग मंदिर में घूम ही रहे हैं और ये हमारे दोस्त हैं पिंटू गुप्ता जी, जो साइंस साइड से फिजिक्स से बीएससी और एमएससी किए हुए हैं और बीटीसी भी किए हुए हैं। हमारी तरफ से नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोग, बस ये इतना कहना। लोग भी दर्शन करने आइए श्री स्वामीनारायण भगवान जी का। देख रहे हैं सरोवर, यहाँ पे सात कुएं भी हैं, तो कितना सुंदर सरोवर आपके सामने दिख रहा है। और ये है हमारे साथ दिवाकर वर्मा जी। तो दोस्तों, ये जो मंदिर है हमारा मस्कनवा टू बभना रोड पे पड़ता है और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भक्त हैं, श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। ये हमारे सब दोस्त हैं। आज हम निकले हैं छपिया मंदिर घूमने के लिए और हम उस रोड पे खड़े हैं जो मस्कनवा से बभनान के लिए जाती है, वहाँ से छपिया के लिए कटती है। इस रोड पे खड़े हुए हम और आपको अब दिखाएंगे बलाग में पूरी तरह, मतलब लास्ट तक बलाग में बने रहिएगा। और हम चलेंगे आज न्यू ईयर के उपलक्ष्य में मंदिर घूमने और आपको मंदिर का पूरा सीन दिखाएंगे। तो ये हमारे सब दोस्त हैं। तो हम आ गए हैं छपिया मंदिर, जैसे कि आप देख रहे हैं मेन गेट हमारे जो पीछे है। हम पहले ब्लॉक तो ये बभनान से आप मनकापुर रोड पे जाएंगे तो बीच में आपको पड़ता है स्वामी नारायण छपिया, जो इंडिया में मानी जानी काफ़ी मानी जानी मंदिरों में आती है। अभी आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। देख रहे हैं आज कितना भीड़ है न्यू ईयर के दिन, यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और हम भी अपने दोस्तों के साथ आए हैं। ये सब प्रभाकर तो ये है हमारे दोस्त और ये हमारे पीछे खड़ा हुआ है, आ जाइए सती जी। तो हम आपको अंदर का सीन दिखाएंगे और आप भी जब भी कभी भी आए घूमने तो अपना ट्रिप बना के आए, छपिया मंदिर घूम के जरूर जाएं। तो चलिए अंदर का नज़ारा देखते हैं।
हाँ तो ये भैया हमारे सरदार जी हैं, ये बहुत दूर से चल के आए मंदिर में घूमने के लिए। तो ये पिंटू जी हमारे काफ़ी लेट से जुड़े हैं, जो हम लोग पहले पहुंच गए थे, तो हम लोग ये नई मंदिर पे खड़े हैं ऊपर, और आज न्यू ईयर का दिन है, पहला दिन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लोग जुटी हुई है छपिया मंदिर पे, और हम लोग भी घूम रहे हैं, तो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, हम लोग मंदिर में घूम ही रहे हैं, और ये हमारे दोस्त हैं पिंटू गुप्ता जी, जो साइंस साइड से फिजिक्स से बीएससी और एमएससी किए हुए हैं और बीटीसी भी किए हुए हैं, तो ये हमारे थोड़ा लेट से जुड़े हैं, मंदिर में घूम रहे थे, तो हम लोग साथ में ही पड़े हैं, तो आइए इनसे रिव्यू लेते हैं कि मंदिर पे घूम के हमें कैसा लग रहा है। नमस्कार, और हमारी तरफ से नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ आप सभी लोग को, बस ये इतना कहना चाहते हैं। और हमारे दर्शकों को मंदिर के बारे में क्या बताना चाहते हैं? बस यही है कि आप लोग भी दर्शन करने आइए श्री स्वामीनारायण भगवान जी का, और आप लोग का भी मनोकामना सफल और पूर्ण हो, बस यही कहना है। तो दोस्तों, हम लोग को आज न्यू ईयर का उपलक्ष्य है, और न्यू ईयर पे हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने दर्शक लोग आए हुए हैं, कितने श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। और ये है हमारे साथ दिवाकर वर्मा जी, तो हमारे ही गांव के हैं, और हम लोग के पास में ये स्वामीनारायण छपिया मंदिर है, तो इनसे भी आज हम रिव्यू लेते हैं कि इस मंदिर के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जो मंदिर है हमारा मस्करवा टू बघना रोड पे पड़ता है, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भक्त हैं, श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने से उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा व्यू है सबका, और सबका इस मंदिर के बारे में काफ़ी अच्छा राय भी है, तो आप भी जब भी कभी आए तो इधर गोंडा में, तो बघनान से मनकापुर से बघनान रोड पे पड़ता, तो घूमने एक बार ज़रूर आए। तो हम लोग मंदिर घूम चुके हैं, और आप मंदिर के जस्ट सामने एक सरोवर है बहुत बड़ा, तो उसका दर्शन कर पाएंगे, तो बहुत ही अच्छा मनोरम नज़ारा है, तो चलिए हम उसका भी दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सरोवर पे सब लोग घूम रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये तीनों भाई हैं, जो बबलू, बब्बू, आपका जितेंद्र, ये तीनों भाई हैं जो हमारे गांव के ही हैं, हमारे दोस्त भी हैं, तो ये लोग मंदिर पे आए हुए हैं। तो दोस्तों, हम लोग घूम लिए हैं मंदिर, और अब मंदिर के सामने जो सरोवर है, तो आप देख सकते हैं सरोवर के बारे में, और यहाँ पे सरोवर में 7 कुएँ भी हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, स्नान करते हैं, और गुजरात से जो लोग आते हैं उनका काफ़ी श्रद्धा है स्वामीनारायण छपिया मंदिर में। श्री घनश्याम महाराज जी का जन्म यहीं पर हुआ था, और उनका जन्मस्थली भी गऊ घाट में है, तो यहाँ लोग आते हैं, यहाँ से जाते हैं गऊ घाट स्नान करके आते हैं। तो आप देख रहे हैं सरोवर, यहाँ पर 7 कुएँ भी हैं, तो कितना सुंदर सरोवर आपके सामने दिख रहा है।
हम लोग घूम ही रहे थे कि हमारे कुछ पुराने दोस्त गांव के भी यहां पे मिल गए हैं। तो ये हैं आदित्य मौर्य, सुमित उर्फ चापू, सुमित उर्फ चापू हैं, और ये दिवाकर जी हैं, और ये सुमित मौर्य जी हैं। तो इन लोग से पूछते हैं कि ये मंदिर में घूम के, आज न्यू ईयर्स है जो कि न्यू ईयर्स पे हम लोग सब घूमने आए हैं, 2022 का पहला दिन है, तो हम लोग यहाँ पे छपिया मंदिर घूमने आए जो घनश्याम महाराज का जन्मस्थली है, जो कि आपको हमने बता ही चुका है और हम लोग के गाँव के बहुत ही पास में है। और